अपना कीमती समय देने के लिए शुक्रिया वेलकम टू कार सूत्रा जहां होती है सिर्फ आपके मतलब की बात तो क्या आपने कभी सोचा है कि जो गाड़ियां टोटल लॉस हो जाती हैं उनका आखिर होता क्या है और खास करके हमारे देश में तो एक छोटा सा जवाब है इसका बिना टाइम वेस्ट करते हुए वे कि वो सेकेंड हैंड कार मार्केट में बेच दी जाती हैं अब आप बहुत हैरान होंगे ये जान के कि भाई सेकेंड हैंड कार मार्केट में कैसे बिक जाती है एक गाड़ी जिसको इंश्योरेंस कंपनी ने भी ठीक करने से मना कर दिया और उसको कौन ठीक करता है पूरा प्रोसेस मैं आपको समझाता हूं सबसे पहले समझ लेते हैं कि टोटल लॉस होता क्या है टोटल लॉस तब होता है जब आपकी गाड़ी की जो आई वैल्यू है और जो रिपेयर कॉस्ट है उसके बीच का डिफरेंस 25 परसेंट से कम हो जाए यानी कि मान लीजिए कि आपकी गाड़ी की आई वैल्यू जो है वो 10 लाख ,00 रुपए है और जो रिपेयर कॉस्ट उसके अंदर आ रही है वो मान लीजिए आठ लाख रुपए आ रही ,00 है जो कि अस्सी परसेंट हो जाता है आईडीबी वैल्यू का तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है इंश्योरेंस कंपनी जो है वो उसको रिपेयर नहीं करवाती है वो आपको वो आपको आपके आईडी वैल्यू के जितना अमाउंट दे देती है और आपकी गाड़ी

तो आर सी अगर कैंसल हो जाती है तो आर सी कैंसिल होते समय जो चेसिस नंबर होता है और जो गाड़ी का इंजन नंबर होता है उसको स्क्रैच कर दिया जाता है और आर टी ओ के सामने किया जाता है तभी जो है वो आर सी कैंसिल होती है अगर ऐसा हो जाता है तो वो गाड़ी कभी भी सेकेंड हैंड कार मार्केट में नहीं जा सकती लेकिन अब उसके अंदर एक लूप होल है क्यों क्योंकि किसी भी कस्टमर को सिरदर्दी नहीं चाहिए यह प्रोसेस जो है वो बहुत बड़ा है लंबा है मान लीजिए अगर आपके आर क्षेत्र में आपकी गाड़ी है तब ये प्रोसेस जो है वो चार महीने तक ले सकता है कोई भी ओनर जो है वो ये नहीं चाहता कि चार महीने तक उसके पैसे लटके रहे और वो बिना गाड़ी के रहे तो वो क्या करता है वो अपनी आर जो है वो स्क्रैपर के नाम पर कर देता है यानी कि जिसने स्क्रैप में गाड़ी खरीदी है उसको उसके नाम पर आर जो है वो हो जाती है ओनर अपना टेंशन फ्री हो जाता है उसके बाद जब स्क्रैपर के पास वो गाड़ी जाती है तो वो इंस्टेड ऑफ़ उसको स्क्रैप करने के वो बाहर से उसको रिपेयर कराता है और सेकेंड हैंड कार मार्केट में बेच देता है और आपके हमारे जैसे कुछ लोग बेचारे जो वहाँ जाके बेवकूफ बन जाते हैं वो एक टोटल लॉस एक्सीडेंटल गाड़ी खरीद बैठते हैं अब आप सोचेंगे कि यार ऐसा तो नॉर्म होना चाहिए कि आ, कोई भी जो है वो स्क्रैपर उसको नहीं कर सकता लेकिन इंडिया के अंदर अभी कोई भी ऐसा नॉर्म नहीं है और ना ही आ, का नाम है किसी भी एक्सीडेंटल गाड़ी को रिपेयर करके सेकेंड हैंड लीगली वो कुछ गलत नहीं कर रहे हैं लेकिन वो गलत कर रहे हैं अब अब बोलोगे कि सब लोग अपनी आरसी कैंसिल क्यों नहीं करा देते क्योंकि ज्यादातर गाड़ियां जो होती हैं वो लोन पे होती हैं तो गाड़ी का जो लोन होता है उस पर जो होती है वो एच पी चढ़ी होती है यानी कि आपकी आर सी पे एचपी चढ़ी होगी तो अगर आपको आर सी कैंसिल करवानी है तो पहले आपको लोन देना होगा लेकिन लोन कंपनी जो है वो लोन कंपनी तभी देगी जब आप उसको पैसे दोगे पैसे आपको इंश्योरेंस कंपनी दबी देगी जब या तो आप आर सी ट्रांसफर करोगे या फिर आर सी कैंसिल करवा के दोगे तो ये लूप में इंसान फंस जाता है तो या तो आदमी अपनी जेब से जितना पैसा है वो पहले इंश्योरेंस कंपनी को दे उसके बाद वो इंश्योरेंस

पेपर वर्क्स में आप इस चीज को पकड़ भी नहीं सकते क्योंकि जो इंश्योरेंस क्लेम होता है वो तो इसके अंदर जाता नहीं है ना ही ऑथराइज सर्विस सेंटर से इन गाड़ियों की रिपेयर्स होती हैं रिपेयर होती हैं बाहर से तो रिपेयर की क्वालिटी भी ठीक नहीं रहती तो जो वो गाड़ी बेचारा लेता है वो जिंदगी भर पछताता है इसलिए मैं सेकेंड हैंड गाड़ियों से थोड़ा सा दूर रहने की कोशिश करता हूँ और आपको भी यही सलाह देता हूँ क्योंकि भाई साहब नई गाड़ी चाहे छोटी हो नई होती है थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करते जाना और अगर कोई सेकेंड हैंड कार खरीदने जा रहा हो तो उसको शेयर कर देना कि उसको पता चल जाए ऐसा धोखा भी उसके साथ हो सकता है थैंक्स फॉर वॉचिंग